हमारी अगली खबर चाइना से जुड़ी है। वो चाइना अगर एलएसी पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ाएगा तो मजबूरी में भारत क्या करेगा? भारत को जवाब देना पड़ेगा। और भारत ने चाइना को जवाब देने की ऐसी तैयारी की है जिसके बारे में जानकर ड्रैगन के होश उड़ जाएंगे। भारत को इसी महीने रशिया से S-400 की दूसरी रेजिमेंट मिलने वाली है और ये रेजिमेंट LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात होगी। सिर्फ भारत ही नहीं, ताइवान और ब्रिटेन ने भी चाइना को उसी की भाषा में समझाने की तैयारी कर ली है। पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ताइवान से जो वीडियो आया है वो आपके लिए देखना जरूरी है। दरअसल ताइवान के ऊपर चीन की बुरी नजर बहुत पहले से है और अब ये वीडियो देखिए। चीन के खतरे से निपटने के लिए ताइवान अब जंगी तैयारियों में जुटा है। ये है ताइवान की सैन्य तैयारियों का वीडियो और इसमें आप खास बात ये देखेंगे कि ताइवान की जो राष्ट्राध्यक्ष हैं साई इंग-वेन वो भी नजर आएंगी। चीन के बीच सिर्फ कुछ किलोमीटर चौड़ी ताइवान की खाड़ी है। चीन लगातार ताइवान को धमकाता रहता है, लिहाजा ताइवान ने चीन के हमले से बचने के लिए पहले ही अपनी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि उस पर हमले का सबसे बड़ा खतरा भी समंदर से ही है। यही वजह है कि ताइवान लगातार न सिर्फ समंदर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है बल्कि अपनी सैन्य तैयारियों को भी मजबूत कर रहा है। आसमान में गरजते विमान और समंदर में दहाड़ते हुए जंगी जहाजों की ये तस्वीरें इसी सैन्य अभ्यास की हैं। समंदर में हुई इस नेवी ड्रिल में ताइवान के कई जंगी जहाज, पनडुब्बियां और विमान, और यहां देखिए ताइवान की राष्ट्राध्यक्ष साई इंग-वेन भी नजर आ रही हैं। इस दौरान चीन की तरफ से समंदर के रास्ते से होने वाले किसी भी हमले को नाकाम करने की तैयारियां परखी गई। जहाजों से गोले बरसाए गए, मिसाइलें लॉन्च की गई और आसमान से भी हमले का अभ्यास किया गया। एक तरफ ताइवान का युद्धाभ्यास चल रहा है, जंगी जहाजों पर तोपें गरज रही हैं। दूसरी ओर भारत LAC पर S-400 तैनात करने जा रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है, इसकी एकमात्र वजह है चीन। वो चीन जो शांति नहीं जंग की जुबान ही समझता है। चीन एक तरफ तो शांति वार्ता करता है लेकिन दूसरी तरफ पेंगोंग झील पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ाता है। चीन की इन्हीं हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत अब LAC पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की दूसरी रेजिमेंट वक्त से पहले ही भारत पहुंच जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की दूसरी रेजिमेंट के कुछ हिस्से भारत पहुंच चुके हैं, जबकि इस महीने के अंत तक पूरी रेजिमेंट के पहुंचने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक S-400 की इस नई रेजिमेंट को LAC पर तैनात किया जा सकता है। कहा जाता है कि विश्व का सबसे बढ़िया और सबसे कारगर, सबसे इफेक्टिव ये एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है, और यदि एयर डिफेंस हमारा सुरक्षित हो जाता है तो ये मान लीजिए कि दुश्मन के फाइटर जेट या उनके और भी प्लेटफॉर्म, चाहे हेलीकॉप्टर हो, UAVs हो, वो हमारे तरफ बढ़ के हमको क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। S-400 की पहली रेजिमेंट पंजाब और कश्मीर सीमा पर होने वाली किसी भी हवाई हमले को नाकाम करने के लिए पहले ही तैनात की जा चुकी है, जबकि अब चीन से लगी उत्तर पूर्वी हवाई सीमा भी अभेद्य हो जाएगी। भारत ने करीब 4 साल पहले 5 अक्टूबर 2018 को रूस के साथ लगभग 39,000 करोड़ रुपए में S-400 की 5 रेजिमेंट्स का सौदा किया था। S-400 की हर रेजिमेंट में 8 लॉन्चर्स होते हैं, जिनमें से हर लॉन्चर एक बार में 4 मिसाइलें दाग सकता है, यानी एक पूरी रेजिमेंट एक बार में 32 मिसाइलें फायर कर सकती है। लेकिन इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी इनकी रेंज है।
S-400 की मिसाइलों की रेंज 500 मीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक होती है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम 600 किलोमीटर दूरी से ही दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को ट्रैक करना शुरू कर देता है और अपनी रेंज में आते ही उसे सटीक निशाने के साथ तबाह कर देता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों से लेकर फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और यहां तक कि एक छोटे ड्रोन को भी मार गिराने की क्षमता रखता है और इन्हीं खूबियों की वजह से S-400 को दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। S-400 का जो ऑपरेशनल रेंज है वो 400 किलोमीटर दूर फाइटर को भी टारगेट कर सकता है, स्टैंड ऑफ मोड से दुश्मन के आते हुए टारगेट को बर्बाद कर सकता है। ये एक एंटी एयरक्राफ्ट वर्जन है मिसाइल सिस्टम का, जिसके पास क्षमता है कि क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ग्राउंड टारगेट्स को भी टारगेट कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। सिर्फ S-400 ही नहीं, भारत चीन से लगी सीमा पर ब्रह्मोस जैसे खतरनाक मिसाइलें, सुखोई, तेजस और राफेल जैसे लड़ाकू विमान और अपाचे, चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर भी भारत तैनात कर चुका है। चीन के दूसरे पड़ोसी ताइवान ने भी अपनी जंगी तैयारियां शुरू कर दी हैं। समंदर के रास्ते चीन के हमले के खतरे को देखते हुए ताइवान ने एक बड़ा नौसैनिक अभ्यास किया। इस ड्रिल में ताइवान के कई जंगी जहाज और पनडुब्बियों ने हिस्सा लिया। जंगी जहाजों से दुश्मन पर गोले दागे गए। आसमान में उड़ रहे लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने भी अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान ताइवान की राष्ट्रपति साई इन वेन खुद जंगी जहाज पर सवार दिखी। यानी चीन की नियत को भारत ही नहीं ताइवान भी अच्छी तरह भांप चुका है और इसलिए चीन को उसी की जुबान में समझाने की तैयारी भी हो चुकी है। चीन भारत के साथ विवाद सुलझाने के लिए बातचीत तो कर रहा है, लेकिन साथ ही वो भारत पर सैनिक दबाव भी डाल रहा है। भारत भी इस बात को समझता है, इसलिए उसने अपनी सैनिक तैयारियों की रफ्तार तेज की हुई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सुरक्षा के लिए S-400 की तैनाती इसी दिशा में एक और कदम है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने चाइना पर सख्त रुख दिखाया है। ऋषि सुनक ने चाइना को लेकर एक के बाद कई ट्वीट्स किए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि चाइना हमारे देश और दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है और अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो पहले दिन से चाइना के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने चाइना के सॉफ्ट पावर का जवाब देने के लिए भी नीतियां बनाने की बात कही।